जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल सेफ्टी सॉल्यूशन वाहिद इंस्टीट्यूट है जो कि इंटर्नशिप ऑफर कर रहा है। आज मेरे साथ एक फ्रेश प्रोफेशनल मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उनका जर्नी कैसा रहा, क्योंकि आज उनका लास्ट डे है। मेरा नाम जी मोहम्मद जुहैब असलम है। बेसिकली मैंने जो है पहले सबसे पहले सेफ्टी लाइन में आयोश का डिप्लोमा किया था, आयोश MS। उसके बाद मैंने निगोश किया, निगोश IGC का पेपर दिया। उसके बाद मैंने फेसबुक पे जो है इंटरनेशनल सेफ्टी सॉल्यूशंस के एड्स देखे, तो रابطہ करने की कोशिश की, तो मेरा रابطہ हुआ। यहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर हो रही थी सेफ्टी के हवाले से, तो फिर मेरा इनसे रابطہ हुआ, तो फिर मैं यहाँ पर आया। फर्स्ट वीक जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं उसके बारे में बताइए। देखें, ऐसा होता है कि कुछ भी हमने कोई काम करना होता है ना, तो पहले उसकी सबसे पहले जो होती है ना प्लानिंग होती है। अगर हम बगैर ट्रेनिंग के इंडस्ट्री में कहीं पे भी चले जाते हैं ना इंटर्नशिप के लिए, तो हम चीज़ों को ब्लाइंडली देखेंगे। हम कुछ भी एफिशिएंटली कर नहीं सकते जो हम करना चाहते हैं, हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा। बेसिकली फायर सेफ्टी, उसके अलावा जो भी जेनेरिक सेफ्टी, जो भी कुछ भी है, उसको हम जो है ना अच्छे से देख नहीं सकते, अच्छे से डील नहीं कर सकते। आज क्या फील कर रहे हैं, आज आपके कोई 4 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं? सर, ऐसा है कि आज जो है जो हम फील कर रहे हैं वो एक एज अ प्रोफेशनल, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल फील कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट 4 वीक्स हो गए हैं हमारे इंटर्नशिप के कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट वीक में ट्रेनिंग्स हुई हैं, उसके बाद सेकंड वीक में यूनिवर्सिटी में सेफ्टी डिपार्टमेंट में विजिट्स वगैरह हुए हैं। सेफ्टी के हवाले से काफ़ी चीज़ों को देखा है, काफ़ी नई चीज़ों को। कंस्ट्रक्शन साइट के हवाले से बताएं कि वहाँ की ट्रेनिंग कैसी रही? कंस्ट्रक्शन साइट पे एक काफ़ी अच्छा और यूनिक एक्सपीरियंस कह सकते हैं। वहाँ पे जिन्होंने हमें लीड किया था वो थे सर वलीद थे, वहाँ पे HSE इंजीनियर थे कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया कंस्ट्रक्शन साइट के हवाले से, हैजर्ड, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एक्सकेवेशन, एक्सकेवेटर्स और जो मटेरियल लिफ्ट होती है, उसके अलावा टावर क्रेन होती है, उसकी ऑपरेशंस, सेफ्टी ऑपरेशंस, उसके अलावा रिस्क मैट्रिक्स, काफ़ी चीज़ों का उन्होंने नॉलेज दिया। आज आपका इंडस्ट्रियल विजिट था, कैसा रहा? आज जी माशाल्लाह हम स्पायर फैब्रिक्स में गए थे इंडस्ट्रियल विजिट के लिए। वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हमने इंडस्ट्री को पहले कभी भी इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया था। आज एक ना एक अंदर से एक फीलिंग आ रही होती है ना आपको, अंदर से एक वाइब आ रही होती है, एक वो वाइब आ रही थी, क्योंकि हमने एज अ प्रोफेशनल इंडस्ट्री में स्टेपिंग किया, इंडस्ट्री में विजिट किया। वहाँ पे जो HSE मैनेजर थे सेफ्टी को जो पूरा डील कर रहे थे, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, काफ़ी अच्छा सेशन गुजरा, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें डील किया, उन्होंने हमें इंडस्ट्री का विजिट करवाया। उसके बाद जो है उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें इंडस्ट्री की हमने ऐसी देखी जो कि हमने पहले कभी ना देखी थी, ना ही हम उस चीज़ के बारे में जानते थे। वंडरफुल, क्या रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट को, आपका फीडबैक क्या है? मेरा जी बहुत पॉजिटिव सा फीडबैक है। बेसिकली कोई भी स्टूडेंट है ना, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो होती है ना थ्योरी या हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो काफ़ी नहीं होता। मेन चीज़ जो आपकी मैटर करती है, आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, वो आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, ऑन साइट एक्सपीरियंस, किसी भी चीज़ के हवाले से, सेफ्टी में भी, जेनेरिक भी, किसी भी चीज़ के हवाले से आपका जो ऑन साइट एक्सपीरियंस होता है मैटर वो करता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सेफ्टी सॉल्यूशन माशाल्लाह से एक अच्छा इदारा है, एक ऐसा इदारा है जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है।